हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, आरजीएस कलनरी की तरफ से अमूल के पेज पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हेलो अर्चना दी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल अमूल टीम, अभिषेक सर एंड खुशबू जी। सो आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ एक इटालियन डेजर्ट, जो कि इंडो फ्यूजन यहाँ पर ये रेसिपी रहेगी, जिसे मैंने कुछ इंडियन ट्विस्ट के साथ में यहाँ पर आपको शो करने वाली हूँ। जिसके लिए मल्टीग्रेन कैनोली बना रही हूँ। मल्टीग्रेन कैनोली बनाने के लिए और उसके साथ में गुआवा चीज मूस बनाएंगे। इसके स्टेप जो है, पहला स्टेप है कि पहले हमारा कैनोली का जो शेल है वो बनेगा, उसके बाद यहाँ पे जो गुआवा की फिलिंग है वो रेडी करेंगे और फिर उसके बाद चीज के साथ में उसे कंबाइन करेंगे, जो कि अमूल के बटर और चीज के साथ में बनने वाला है। तो चलिए फिर फटाफट से डो नीट कर लेते हैं। इंग्रीडियंट मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप ये व्हीट फ्लार है, साथ में मैंने ये लिया है 1/2 कप मल्टीग्रेन फ्लार। ये 1/2 कप मल्टीग्रेन फ्लार है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ में मिल जाएगी। और साथ ही में जाएगा अमूल का बटर, पाउडर शुगर। चलिए फटाफट से डो लगा लेते हैं, क्योंकि डो को रेस्ट के लिए रखना जरूरी होता है, एटलीस्ट 1 आवर रेस्ट के लिए रखना जरूरी है। बट अभी इतना टाइम नहीं है, जब तक हमारी फिलिंग रेडी होगी तब तक हम टोटल आटा जो है लेना है फ्लार, ऑल पर्पज फ्लार से ये बनता है, लेकिन यहाँ पर हम इसमें ऑल पर्पज फ्लार नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसे हमने चेंज किया है व्हीट फ्लार और मल्टीग्रेन फ्लार मिक्स के साथ में। तो इसमें मैंने 1 कप आटा टोटल लिया है, साथ ही में हम इसमें लेंगे बटर, सॉल्टेड बटर लेंगे। अगर आप प्लेन बटर लेंगे तो अलग से सॉल्ट डालना जरूरी है, 1/4 टीस्पून। ये अनसॉल्टेड है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। हेलो एवरीवन, साथ ही में जाएगा पाउडर शुगर। बेसिकली इसे एग के साथ में इसका जो बेस है वो रेडी किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर एगलेस रेसिपी बना रहे हैं। बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, कैनली का फ्लावर बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मल्टीग्रेन फ्लावर प्लस व्हीट फ्लावर मिक्स करके। बटर के साथ में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे फिंगर टिप के हेल्प से। फ्लावर के साथ में सॉल्टेड अमूल का बटर। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आप अनसॉल्टेड बटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून के लगभग। पाउडर शुगर, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा।
वन टेबल स्पून आप कर्ड भी ले सकते हैं, जो एग के रिप्लेसमेंट की जगह पर डाला जा सकता है। और मैंने लिया है यहाँ पर ये अमूल का मिल्क, जिससे हम ये डो रेडी करेंगे। एग के साथ में जब बनता है तो काफी स्ट्रेची होता है ये डो, लेकिन ये मैं ग्लूटेन फ्री मल्टीग्रेन फ्लार के साथ में बना रही हूँ। इटालियन रेसिपी कुछ इंडो फ्यूजन के साथ में। अच्छे से डो को सॉफ्ट डो लगा लेंगे। ये देखिए हमारा जो डो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसे अच्छे से हेलो एवरीवन, आपके कमेंट मुझे शो नहीं हो रहे हैं। आज मैं इटालियन रेसिपी बना रही हूँ, इटालियन कैनली विद गुआवा चीज स्मूस। तो ये देखिए डो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। हम इसे साइड में रखते हैं कवर करके, हम इसे साइड में रख देते हैं कवर करके। और अब हमारी जो है फटाफट से फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिया है हेलो सुमिता जी, आज मैं बना रही हूँ इटालियन कैनोली विद इंडियन ट्विस्ट, जिसे मैं मल्टीग्रेन फ्लार के साथ में यहाँ पर बना रही हूँ। और अब हम यहाँ पर रेडी करेंगे, ये मैंने लिया है गुआवा का पेस्ट। आप जो रेड वाला गुआवा होता है आप वो भी ले सकते हैं, और पिंक कलर में फिर ये आपका बन के आएगा। अभी ये मैंने मुझे ग्रीन गावा मिला था तो मैंने ये गावा लिया है। इसे हम एक पैन में ट्रांसफर कर लेंगे। हम ये फिलिंग में डालने के लिए गावा का पेस्ट रेडी कर रहे हैं। एक गावा लिया था मैंने बड़ा वाला, उसकी अच्छे से गावा को अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद में उसका जो सीड होता है उसे सीड निकालने के बाद में ग्राइंड कर लेंगे। और साथ ही में ये फीका था, इसमें बहुत ज्यादा मतलब स्वीटनेस नहीं थी। साथ ही में ऐड कर देंगे थोड़ी सी शुगर। बेसिकली हमें मूस के लिए रेडी करना है गुआवा के फ्लेवर में एक स्प्रे। इसमें हम चॉकलेट भी डालने वाले हैं तो उससे भी ये काफी मीठा हो जाएगा, लेकिन गुआवा को बैलेंस करने के लिए शुगर डालेंगे डालेंगे, तब जाके आपका जो स्प्रेड है वो अच्छा बनेगा। शुगर मेल्ट होना शुरू हो गई है। एक्सेस वाटर है वो सारा खत्म करना है। ये
अभी तक मैंने कनली के लिए डो रेडी करके रखा है, मल्टीग्रेन फ्लावर के साथ में व्हीट फ्लावर मिक्स किया और साथ में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून शुगर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो फिर सॉल्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब तक गुआवा का हमारा जो ये स्प्रेड है, हेलो भरत जी, ये जो स्प्रेड है वो ठंडा होगा तब तक हम कैनोली की शेल बना लेंगे। आपको अगर पिंक गुआवा मिलता है तो आप उससे भी बना सकते हैं, सिर्फ कलर का डिफरेंस आएगा, बाकी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। देखिए ठीक होना शुरू हो गया है। आज की जो रेसिपी है वो हम बनाने वाले हैं अमूल की चॉकलेट बटर और जो चीज स्प्रेड होता है उसका इस्तेमाल करके, बहुत ही अम्मी सी रेसिपी बनकर रेडी होगी। गुआवा का एक्सेस वाटर जो है वो बिल्कुल सूख चुका है, इसकी थिकनेस जो है और शुगर भी अच्छे से कंबाइंड हो गई है। हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। एक तरफ ऑयल हीट होगा, दूसरी तरफ हम कैनोली की शेल रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है ये कैनोली पाइप। ये बहुत आसानी से आपको वहाँ बेकिंग वगैरह का सामान मिलता है वहाँ पर, इस तरीके का ये मिल जाएगा। जिस तरीके से रोटी रेडी करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर कैनोली
कैनोली की ओरिजिनल रेसिपी जो होती है वो एग और मैदे के साथ में होती है, ऑल पर्पस फ्लावर के साथ में शुगर और शुगर सॉल्ट बटर एंड सिनेमन पाउडर का फ्लेवर के साथ में डो रेडी किया जाता है एग बेस के साथ में, और उसे डो नीट करने के बाद एक घंटे के लिए करें क्लीन रैप में रैप करके रख देंगे। उसके बाद उसे शेप शेल की शेप में कट करेंगे और फ्राई करेंगे। यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो रहा है, तब तक हम काफी छोटा हो रहा है, इस तरीके से कैनोली मोल्ड के ऊपर से रोल करेंगे। और थोड़ा सा वाटर अप्लाई करने के बाद में इस तरीके से कैनोली मोल्ड को चिपका देंगे। ये शेप में हमारा, इसी तरीके से हम और भी बना लेते हैं। एक एक करके हम सारी कैनोली अपनी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। एक तरफ हम कैनोली शेल बना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा जो गुआवा चीज स्प्रेड है वो अच्छे से ठंडा हो रहा है। आप जो बिग वाला कुकी कटर होता है या फिर बिग साइज का एक एक करके हमारी ये जो कैनोली है हम इसे फ्राई कर लेंगे।
से रोल करके डीप फ्राई किया जाता है। आप इसे बेक भी कर सकते हैं। बेक करने से और भी हेल्दी हो जाएगा। एक तो मल्टीग्रेन के साथ में बना है और दूसरा ऑयल फ्री हो जाएगा। हमारे पास दो मोल्ड और हैं, तो हम दो और रेडी कर लेते हैं। हेलो रंजीता जी, हेलो एवरीवन। आज मैं इंडो फ्यूजन रेसिपी यहाँ पर बना रही हूँ, इटालियन रेसिपी, डेजर्ट इटालियन कैनोली बना रही हूँ यहाँ पर। इसे बनाने के लिए इसका जो बेस है वो मैंने मल्टीग्रेन फ्लावर के साथ में बनाया है। इसका डो लगाने के लिए मैंने व्हीट फ्लावर, मल्टीग्रेन फ्लावर दोनों मिक्स करके लिया है और साथ ही में अमूल का बटर, शुगर, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, अच्छे से फ्राई हो गई है, क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन करनी है चारों तरफ से। स्लो हीट पर करेंगे जिससे अंदर तक पक जाएगी। देख सकते हैं फ्राई हो गई है अच्छे से। इसका ऑयल सारा यूज कर देंगे और उसके बाद एक एक करके इसे बाहर निकाल लेंगे।
शुगर जो इसमें गई है उसके वजह से कैरमलाइज होने के बाद में इसका कलर काफी अच्छा थैंक यू रंजिता जी। ऑलमोस्ट हमारे सारे शेल रेडी हो गए हैं और अब हम जो चीज स्प्रेड बना के रखा था चलते हैं इसकी फटाफट से मूव्स रेडी कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है अमूल की व्हाइट चॉकलेट, ये मैंने यहाँ पर अमूल की व्हाइट चॉकलेट ली हुई है कट करके। कैनोली शेल जो है हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, हम इसे भी हटा देंगे। ये मैंने जो चॉकलेट ली हुई है इसे कट कर लेंगे। साथ ही में ये लिया है मैंने, हेलो प्रतिभा जी, मैं आज बना रही हूँ इटालियन कैनोली मल्टीग्रेन फ्लावर के साथ में विद गुआवा मूज। यहाँ पे मैंने ये जो फ्रेश क्रीम ली है इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। हमारी जो फ्रेश क्रीम है वो गर्म हो रही है तब तक हम चॉकलेट को कट कर लेते हैं। थैंक यू प्रतिभा जी, डेजर्ट बहुत अच्छा लगता है, कभी बना के ट्राई करिएगा, आप में से कोई भी ट्राई करें तो मुझे टैग जरूर करें। इसी तरीके से और भी रेसिपीज के लिए आरजीएस कलेवरी फेसबुक पेज को फॉलो करें और इंस्टा पर भी फॉलो करें। ये देखिए चॉकलेट जो है हमारी कट हो गई है और हमारी ये जो क्रीम है व्हाइट चॉकलेट जो है वो जलती बहुत जल्दी है, इसलिए गनाश बनाने के लिए मैंने पहले इसे अच्छे से गर्म कर लिया है और अब हम इसमें जब व्हाइट चॉकलेट डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी और जलेगी भी नहीं। ये देखिए मूस के लिए पहला स्टेप था हमारा, हमने ये जो गुआवा का स्प्रेड रेडी किया शुगर के साथ में, ग्रीन गुआवा का पल्प लिया है, फ्रेश क्रीम ली है, ये अमूल की फ्रेश क्रीम, उसे अच्छे से गर्म कर लिया है। फ्रेश क्रीम यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ली थी और उसमें मैंने 50 ग्राम चॉकलेट ऐड करी है। ये गुआवा का स्प्रेड जो है
ये हम साइड में रखते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, और सेकेंड हमने ये मेल्ट करके चॉकलेट लिया, सॉरी गनाज बना के लिया है व्हाइट चॉकलेट का। इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश क्रीम एंड चॉकलेट, गुआवा आप जो पिंक गुआवा आता है रेड वाला आप वो भी ले सकते हैं, यहाँ पर मुझे ग्रीन गुआवा मिला था इसलिए मैंने ग्रीन लिया है। और इसे अच्छे से, जब तक हमारी चॉकलेट मेल्ट नहीं हो जाती, ये देखिए व्हाइट चॉकलेट गिनाश हमारा रेडी हो गया है। प्रतिभा जी, आरजीएस कलोनरी बाय रुचि सक्सेना, लिंक मैं पोस्ट कर दूंगी। एक तरफ हमारा ये, और इसी चॉकलेट में हम डालेंगे चीज, ये मैंने लिया है चीज स्प्रेड, जिससे ये थोड़ा गर्म है ना, ये अच्छे से ये भी साथ में मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए हम इसमें थोड़ा सा चीज और लेंगे, गुआवा स्प्रेड रेडी हो गया है, और ये साथ में चीज स्प्रेड रेडी हो गया है चॉकलेट के साथ में। टू पार्ट हमारे मूज के रेडी हो गए हैं। ये मैंने लिए व्हिपिंग क्रीम, हम बीट कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम बीट करने के टाइम पे ध्यान रखिए कि इसकी क्रिस्टल नहीं होनी चाहिए, अगर क्रिस्टल रह गए तो आपका अच्छे से बीट नहीं होगा, क्रम्बली क्रम्बली जैसा दिखेगा, बट वो अच्छा नहीं होता है। आप व्हिपिंग क्रीम को फ्रीजर से निकाल के रख दें, उसको लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाने दें, और उसके बाद में आप उसे बीट करें। हाई
ये देखिए हमारी क्रीम विप हो गई है। अब हम जो गुआवा का स्प्रेड बना के लिया था हमने, इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर रहे हैं एकदम लाइट से। पिंक गुआवा अगर आप लेते हैं तो उसका नेचुरल कलर आ जाता है, लेकिन ग्रीन में हल्का सा येलोइश आता है, जिसे हम हल्का सा कलर देके ये स्प्रेड आप इस तरीके से सिर्फ बना के आप बच्चों के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पर अभी हमारा ये जो चीज और चॉकलेट का मिक्सचर है, हम इसे ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा, सबको कंबाइन करना है, साथ ही में गुआवा स्प्रेड। थैंक यू प्रतिभा जी। मैं ऑलमोस्ट मेरी रेसिपी जो भी होती है वो अधिकतर मैं कोशिश करती हूँ वो सिग्नेचर रेसिपी अपनी शेयर करती हूँ आपके साथ में, आप सभी के साथ में। सो आप में से कभी भी कोई भी ट्राई करें बना के तो मुझे टैग जरूर करें RGS कलनरी बाय रुचि सक्सेना यूट्यूब चैनल पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इसी तरीके की और भी रेसिपीज देखना चाहते हैं। अभी मैं थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉपर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट बहुत जल्द करूँगी। फेसबुक पर आप फॉलो करें, फेसबुक RGS कलनरी बाय रुचि सक्सेना पेज पर। काफी रिच हो गया है क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट चीज एंड व्हिपिंग क्रीम और साथ में इसका जो फ्लेवर है गुआवा, आप अगर एसेंस के साथ में बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो हमारी फिलिंग रेडी हो गई है, कैनोली रेडी हो गई है और इसे गार्निश करने के लिए हमने चॉकलेट चिप्स लिए हुए हैं, चॉको चिप है हमारे पास। आप अंदर अगर ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना चाहते हैं तो चॉप करके आप ड्राई फ्रूट्स अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो मूज है वो रेडी हो गया है। तरीके से पाइपिंग बैग ले लेंगे, हेलो तन्वी जी हेलो। मैं लास्ट में पूरी रेसिपी एक बार रिपीट कर दूंगी, अभी रिपीट करती हूँ। ये हमारे पास है कप,
ये यहाँ पे थोड़े से चॉकलेट चिप्स, ये मैंने पिस्ताचो लिया हुआ है, ये हमारी गुआवा मूस रेडी हो गई। अभी हमने जो कैनोली बनाकर ली थी इसे डीमोल्ड कर लेते हैं, इस तरीके से घुमाकर। थैंक यू प्रतिभा जी, मैं अधिकतर अपनी सिग्नेचर रेसिपी ही यहाँ पर शेयर करती हूँ, थैंक यू अप्रिशिएट करने के लिए। इस तरीके से बेसिकली जो कैनोली के शेल होते हैं वो एग और ऑल पर्पस फ्लावर के साथ में बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हेल्दी हो सके तो इतना बेक करने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए मैंने फ्राई किया है। बेक करके बनाएंगे आप तो और भी हेल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा इसे टर्न करें और इस तरीके से बाहर निकाल लें। एक बार दोबारा से इसको थोड़ा फिल कर लेती हूँ। ये कैनोली की शेल है और इसे अच्छे से पूरा गुआवा चीज मूस से फिल कर देंगे दोनों तरफ से। ये देखिए इस तरीके से फिल करना है, सभी ऐसे कर लेंगे। आप अगर बेक करके बनाते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी डेजर्ट आपके सामने बनकर रेडी होगा। तो चीज स्प्रेड, अमूल के चीज स्प्रेड को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आप क्रीम चीज के साथ भी बनाया जा सकता है, ऑलमोस्ट क्रीम चीज के साथ बनता है, लेकिन अमूल के चीज स्प्रेड के साथ में मैंने ये रेडी किया है। ये अधिकतर ये प्रोडक्ट बच्चों को बहुत पसंद होता है और सभी घरों में अवेलेबल भी होता है। सारी ऐसे ही फिल कर लेंगे। सारी रेडी करती हूँ, अभी मैं रेसिपी दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। कैनोली निकालने के टाइम पे ध्यान रखें कि टूटना नहीं चाहिए, यहाँ पर एक टूट गई है थोड़ी सी। पे हम चॉकलेट चिप्स के साथ में
ये देखिए इस तरीके से डिप करके चॉकलेट चिप्स में लगा देंगे। और कुछ में हम इस तरीके से पिस्ताचो लेंगे। बहुत ही अच्छा पार्टी के लिए डेजर्ट रेडी किया जा सकता है, हेल्दी डेजर्ट है। लेकिन अगर आप इसे बेक करके बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पर फ्राई करके इसे दिखाया क्योंकि बेकिंग में ज़्यादा टाइम लगता। तरीके से गार्निश करें। साथ में इसे फाइनल टच देने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर ये मैंने लिया है पाउडर शुगर, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। आज मैंने बनाई है मल्टीग्रेन कैनोली विद गावा चीज मूस। थैंक यू। ऑलमोस्ट हमारी जो रेसिपी है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि कैनोली शेल बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया। कैनोली शेल बनाने के लिए मैंने मल्टीग्रेन फ्लावर लिया है, मल्टीग्रेन फ्लावर लिया था बीट फ्लावर के साथ में, यानी हाफ कप मल्टीग्रेन फ्लावर और हाफ कप बीट फ्लावर। साथ ही में बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, सॉल्ट जाएगा। अगर आप बटर अमूल का सॉल्टेड वाला यूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी साथ में बटर ना यूज करें। और जो डो है वो मैंने यहाँ पर
मिल्क के साथ में लगाया है। आप अगर कर्ड ऐड करना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून थैंक यू तन्वी जी। तो डो लगाने के लिए मिल्क के साथ में लगाया है, गुनगुने मिल्क को लिया था मैंने, साथ ही में उस डो को नीट करने के बाद में आधे घंटे के लिए रखना है। बेसिकली एग के साथ में बनता है, लेकिन ये यहाँ पर एग फ्री रेसिपी है जो मैंने आज ये बनाई है, मेरी सिग्नेचर रेसिपी है ये। और साथ ही में इसके लिए जो मूज बनाया है, मूज बनाने के लिए गुआवा मूज है, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पर गुआवा का स्प्रेड पहले रेडी किया है। तो एक गुआवा के को मैश ये कर लेंगे, ग्राइंड करके उसका पल्प निकालेंगे, उसके बाद उसको शुगर के साथ में डिजोल्व करके सारा पानी रिड्यूस कर लेंगे और हमारे पास गुआवा का स्प्रेड बनकर रेडी हो जाएगा। स्प्रेड को अच्छे से ठंडा करना है। सेकेंड सॉल्यूशन जो है, हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट वो है गिनाश लेना है 1:2 का, यानी 1 पार्ट ऑफ क्रीम एंड 2 पार्ट ऑफ चॉकलेट। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और साथ ही में ये टेस्टी सा अमूल का चीज स्प्रेड आप क्रीम चीज के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने ये रेसिपी चीज स्प्रेड के साथ में बनाई है, क्योंकि अधिकतर घरों में चीज स्प्रेड बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर ये नहीं है इनकेस, तो आप जो चीज स्लाइस होती है आप उसको थोड़ा सा मेल्ट कर ले माइक्रोवेव में और वो ऐड कर दें चीजी फ्लेवर के लिए। तो सेकेंड पार्ट हमारा था चॉकलेट गनाश का, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा गुआवा स्प्रेड और थर्ड पार्ट हमारा था व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को हमें केक के जैसा हार्ड नहीं रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी चूंकि फिलिंग वाली है इसलिए थोड़ी सी थिन रखेंगे। और उसके बाद में तीनों को हल्का सा ग्रीन कलर दिया है मैंने, क्योंकि ग्रीन गुआवा मुझे यहाँ पे मिला था। अगर आपको पिंक गुआवा मिलता है तो आप पिंक कलर भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप नेचुरली रहने दें। और साथ में तीनों मिक्सचर को कंबाइन करना है, अच्छी तरीके से कंबाइन करना है, फोल्ड करके लेना है। और साथ इसके बाद जो कैनोली की शेल को फ्राई कर किया हुआ था, फ्राई किए हुए शेल को अच्छे से ठंडा करना है, राउंड से इसे घुमाकर निकालने के टाइम पे ध्यान रखें कैनोली को इस तरीके से खींच कर नहीं निकाले, नहीं तो टूट सकती है। आप धीरे धीरे से रोल करके घुमाकर निकालेंगे तो वो आसानी से डिमोल्ड हो जाएगी। उसके बाद में ठंडा कर लेना है। अब आपका मूज भी रेडी है और ये भी रेडी है, शेल भी रेडी है। साथ ही में गार्निश के लिए मैंने यहाँ पर चोको चिप लिया है, पिस्ताचो लिया है, कुछ गोल्डन लीव्स ली हुई है, गोल्डन वर्क ली हुई है पाउडर शुगर के साथ में। ये आप देख सकते हैं हमारा जो प्लेटर है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। एक इटालियन रेसिपी जिसे हमने इंडियन ट्विस्ट के साथ में कन्वर्ट किया है। और गुआवा मूज आप इसे कप में, स्मॉल वाले जो कप आते हैं बेकरी वाले, आप उसमें सर्व करके बच्चों के लिए पार्टी, बर्थडे पार्टी के लिए बना सकते हैं। किसी भी फ्रूट के साथ में इसे बनाया जा सकता है, बस आपको पल्प को शुगर के साथ में डिजोल्व करके वाटर रिड्यूस करना होगा, आपको एक स्प्रेड के रूप में उसे लाना होगा। तो आई होप गाइस कि आज का जो है, इसे क्लोज करो फिर से स्टार्ट कर दो। आई होप गाइस कि आज का जो सेशन है वो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो ये रेसिपी बनाकर ट्राई करिए और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये कैसी लगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि अधिकतर रेसिपीज आपके सामने यूनिक और न्यू ही शेयर करती हूँ, जिससे आप लोगों को भी अलग अलग तरीके के आइडियाज आ सके। साथ ही में कांदीवली चारको से जो भी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, RGS कलनरी बाई रुचि सक्सेना, चारकोप सेक्टर 3, 8104426361 पर। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे ओवर करती हूँ और अलविदा लेती हूँ आपसे। बाय बाय एवरीवन।